आजकल हेट मिल रहा आदि को भाई अब रुला दिया ना भाई। और आदित्य और जोनाथन को पता नहीं भाई इतना ज्यादा क्यों तुम लोग भर रहे हो, अगर वो बाय चांस की कुछ भी चेंज होने वाला है तो इसको बाहर हो सकते हैं। डेस्ट्रो पूरी तरह से फाइट कर रहा है। इट्स ओवर, इट्स गॉड लाइक, उनका समापन, एलिमिनेशन। कार वो एक को डाउन करेंगे, वो दो को डाउन करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से दूसरे प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। लगता है टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक, वो देखकर अब शुरुआत हो सकती है पर नहीं, क्लच गॉड हो सकते जी नहीं, शुभायु पूरा गेम पलट दिया जी। क्या कर रहे हो जादू, क्या कर रहे हो आप? हे थोड़े से देखो, हमने खराब खेला इसलिए हम क्वालिफाई नहीं हुए, हम अप टू द मार्क नहीं थे इसलिए हम क्वालिफाई नहीं हुए, सिंपल सी बात है यार। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि यार किस्मत साथ नहीं दिया, हम कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टीम गिव इट्स बेस्ट अनऑफिशियल, आज के बाद से बेसिकली एसएटीएल क्वालिफाई होगी। गाइस आप लोग टीएक्स फैन स्पेशली, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 अनऑफिशियल पान पराग मसाला टूर्नामेंट्स में से प्लीज जाके टीम्स को जज करना बंद कर दो। अपनी टीम को बोल रहा हूँ मैं, बाकी टीम्स को आप जज करो, उनको बेस्ट टीम बनाओ। मैं टीएक्स के लिए बोल रहा हूँ, भले ही वो पान पराग मसाला टूर्नामेंट जीते या हारे उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओनली फोकस शुड बी ऑफिशियल। तो अगर हम खराब खेलते हैं कोई अनऑफिशियल तो प्लीज वहां पे आप लड़कों को बूस्ट करो, मोटिवेट करो, तो उन लोग ऑफिशियल्स के लिए और पूरा फोकस हो। और मैं देख रहा हूँ आजकल हेट मिल रहा आदि को भाई, अपना लौंडा है, अपने यहाँ से पूरा प्यार रहेगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट असल्टर्स इंडिया में, मैं आज भी उसको बेस्ट एमर मानता हूँ। तो आदि के लिए दिल से प्यार है अपने लिए, अपना छोटा भाई हो। मोगैम्बो एंड कॉम्पी, यस यस यस, आज मोगैम्बो को कॉम्पी में भेजा था भाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का BMPS अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की पब्लिक मिलते हैं सबसे लैंड पे, फिनाले पे। आप लोग आइए, प्यार दीजिए, टीएक्स फैंस रुकना मत, एकदम अंधा सपोर्ट चाहिए। बेसिकली एसएटीएल क्वालिफाई होगी, 8-bit सोल दोनों होगी और टीएक्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फुल ऑन क्वालिफिकेशन बोलते ही बात नहीं, हम लोग #2 आए हैं, नया जर्सी का नंबर #2 कर देंगे। लाइफ में सोल ही सोल चल रहा है ना। वो लोग वो अपने फोन में एक ऐप डलवा रहे थे हमारे फोन में, और वो फोन में हम लोग को गेम चालू करने से पहले वो ऐप चालू करना है, ठीक है, ऐप को परमिशन देना है और उसके बाद BGMI को ऑन करना है। तो उससे क्या हो रहा था, वो फोन में जो कुछ भी चल रहा है ना वो सब वो ऐप के थ्रू जो भी कंपनी है उनको पता चल रहा था। बट अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा अभी क्यों नहीं कर रहे वो लोग ऐसा, पता नहीं बट ये कर सकते हैं वो लोग। एंड आई गेस द ओनली वे दिस कैन बी सॉल्व्ड इज मतलब जो ऑर्गेनाइजर जो डेवलपर्स है वो लोग ही कर सकते हैं। GAC टूल, हाँ ऐसा ही कुछ था यार। यही रहने वाली है टीम में, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अगर तुम लोगों को लग रहा है टीम कैपेबल नहीं है तो भाई तुम गलत हो, टीम कैपेबल है अच्छा खासा। और आदित्य और जोनाथन को पता नहीं भाई इतना ज़्यादा क्यों तुम लोग भर रहे हो, मतलब मेरे को नहीं लगता वो लोग गंदा खेले या फिर वो लोग चोक किए, ऐसा कुछ मेजर चोक किए, समझ रहे हो। आदित्य को लोग इतनी बुरी तरह से गालियां दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब पॉइंट नहीं है, उसको जाके प्यार दो भाई, वो बंदा बहुत अच्छा खेला है इतने कम टाइम में, वो बंदा बहुत अच्छा खेला, मजाक से हटके बहुत अच्छा खेला, उसको जाके हेट करने का कुछ मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा हेट शायद अभी आदित्य को मिल रही है जो कि पॉइंटलेस है यार, कुछ मतलब नहीं उसको देने का, हो जाएगा वो। मैं तुमको बताऊँ तो आदित्य सिर्फ एक मैच में जो मैं बोल सकता हूँ कि वो गंदा खेला, बस उसके अलावा भाई बाकी के वो 14 मैच अच्छा खेला, तुम वो नहीं देख रहे, सिर्फ एक मैच के बेस पे उसको भर दे रहे हो ऐसा, तो ये सब कुछ मत करो। और गॉड बहुत अच्छा खेला, गॉड तुम लोग बोलते थे ना कि भाई ये अच्छा नहीं खेलता या कुछ भी, गॉड सबसे अच्छा खेला टीम में, देख लो अभी थोड़ा सा टाइम दो, गॉड भी अच्छा खेलेगा, सब लोग अच्छा खेलेंगे। तो रुला दिया ना भाई, सॉरी भाई अगली बार नहीं रुलाऊंगा, ठीक है, क्या जो वो इस टाइम पे लो फील कर रहे हैं सारे के सारे, तीनों बंदे लो फील कर रहे हैं, और भी है जो बंदे लो फील कर रहे हैं, जैसे अपने अमर भाई है, अमर भाई को भी जाके प्यार दे के आ जाओ, अगर तुम लोग इस टाइम पे भी दे सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों को। लाइनअप पे ट्रस्ट रखो भाई, ये लाइनअप कर लेगी, मैं किसी को चेंज नहीं करने वाला, लाइनअप में यही लाइनअप रहने वाली है। अगर तुमको लग रहा हो बाई चांस की कुछ भी चेंज होने वाला है तो ऐसा नहीं होने वाला, यही लाइनअप रहेगी और यही लाइनअप अच्छा करेगी। जॉनी स्टोरी, हाँ जॉनी की स्टोरी मैंने देखी, तो वही तो कह रहा हूँ, सब सैड फील कर रहे हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता देखो इतने बड़े टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद। शुरू करते हैं और देखना यह कि ये पहले मैच में कौन सी टीम होगी जो के बाहर है, आपस में फाइट करते हुए नजर आएंगे, और वो इम्पैक्ट जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे वो होता हुआ नजर आ भी सकता है। जगह उन्होंने स्पॉट किया प्लेयर को, चलिए एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, एक और प्लेयर को स्पॉट किया जरूर है, बट वॉट मानव उनको वहां पे वो नॉक निकालना ही चाहिए था। A2K वो एक कमबैक कर वो शुरुआत करेंगे आज के दिन की, जहां पे उन्होंने Day 1 को खत्म किया था ठीक वहीं से जहां पे शुरुआती दौर पे वो 4 finishes उनके पास जाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी तक तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है, ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स रोटेशन भी उनके जस्ट सामने नेट निकालते हुए यहां पे जीवन के प्लेयर्स, इधर से टोनी ने भी स्पॉट किया, अभी की कोशिश यहां भी करी जाएगी और फाइनली वो नॉक मिलेगा।
शायद प्लेज और बी के द्वारा, और वो तीन फिनिशेस भी एक बहुत बेहतरीन शुरुआत जो हमें देखने को मिल सकती है। बट चलिए फाइनली जैन वो एक बार फिर से शुरुआत करेंगे, और इस बार A2K के वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, एक 1v3 का सिचुएशन उनके सामने मौजूद, बट DBS का फटका एक एक करके आएंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। चलिए एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे और वो क्लच करके जाएंगे एक 1v3 जो है गॉडलाइक के लिए। बेहतर यही कि वो साइडलाइन जहां पर मौजूद थे वहीं पर है, बट अब टीम सोल वो भी यहां पर आती हुई। वाओ, टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम ओआर, बट जोनाथन गोब्लिन के द्वारा जोनाथन को गिराया जाएगा, खत्म भी कर दिया जाएगा। टीम गॉडलाइक अब अपने प्लेयर्स गवा सकते हैं आदित्य, वो भी यहां पे डाउन एक बेहतरीन पोजीशन से रोटेशन करने की कोशिश, और टीम गॉडलाइक अब पूरी तरह से बैकफुट पे। बट एनुएन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये एवो टीम जिनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और वो भी प्लेयर्स अपने गवा। और AKOP की बात करें, उन्होंने अपने ही खिलाड़ी के ऊपर वो ग्रेनेड कर दिया, यश को वहां पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, ड्रिगर जो एक और फिनिश निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्लच गॉड की बात करें, वो THW की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, एक और फिनिश जो उनके खाते में जाता हुआ नजर आएगा। गॉडलाइक मात्र दो खिलाड़ी शेष, जी गॉड और जेली, बट इनकी भी पोजिशनिंग रिवील्ड है, इनके ऊपर भी शॉट्स आते हुए नजर आएंगे, और ये बिल्कुल भी एक सेफ एरिया रहेगा नहीं। टीम सील के क्लाउड्स वो रहेंगे जो जेली को डाउन करेंगे, और अब जी गॉड वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी इस निर्णायक मुकाबले में। टीम गॉडलाइक एक एक करके वो ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आएंगे। जी गॉड arguably the best support player of India is the only man standing, but not anymore, क्योंकि उनको but Soul Goblin को तो देखिए MVP की लिस्ट में इस प्लेयर को भी आगे जाना है, but Goblin वो भी यहाँ पे डाउन करे जाएंगे, but Omega वहाँ पे है जो कवर देते हुए TWOB, वो इस फाइट के अंदर जरूर एक बेहतर पोजीशन चाहते हैं, but ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। टीम Soul गॉब्लिन को गवाया, ओमेगा भले ही डाउन बट उनके पास अब 24 प्लेयर्स हैं। वहीं अगर अक्षत की बात की जाए, वो फंस चुके हैं, HP उनके पास है नहीं, एक DBS के सहारे अक्षत, क्या वो यहाँ पे क्लच शॉट बन सकते हैं? मौका तो रहेगा उनके पास, बट HP नहीं है, एक नॉक फिर भी उन्होंने यहाँ पे ओमेगा ने इट सीम्स वो निकाला, बट अक्षत को वो बचा नहीं पाए। अब सोल के नियो वो यहाँ पे आएंगे गाड़ी के साथ, स्लैमिन उन्होंने किया जरूर, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक भी किया, बट मुश्किलें बढ़ी, लेकिन ओमेगा जब तक वो हैं तब तक घबराने की जरूरत नहीं। नो फ्रैग्स टीम सोल निकाल चुकी है, और जरूरत भी नहीं उनको इतने फ्रैग्स दिखने को मिलता हुआ, और ऐसे में सेंटर पे कोई भी टीम जाना चाहेगी नहीं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हर तरफ से उनके ऊपर शॉट्स आएंगे। बट सील की स्क्वाड वो चारों खिलाड़ियों भी डटे हुए हैं। ह्यूमन की स्क्वाड की बात करें, वो आगे जाते हुए नजर आएंगे, उनको कोई जरूरत नहीं थी आगे जाने की, ऑलरेडी वो एरिया नीचे लोअर रिज पे मौजूद था, और ऐसे में गिल वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। ये करने की आवश्यकता आखिर क्या थी स्पीरो? प्रेशर है जो ले नहीं पाए वहां पे ह्यूमन गेमिंग, और उनके प्लेयर्स खत्म हो गए। ड्रैगन ईस्पोर्ट्स जो खराब जगह पे थे वो आके एक बेहतरीन जगह लेंगे ह्यूमन गेमिंग की जगह। बट अभी भी टीम सोल दो प्लेयर्स डटे हुए, वो नेट्स की वर्षा वो अभी भी करते हुए टीम सील के ऊपर। टीम सोल अलग लेवल पे खेलते हैं, और यहाँ पे ये नेट नियो का बहुत वैल्यू निकालता हुआ ये, और ये ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का राइज देखने को मिल जरूर सकता है। बट लियो YT वो रहेंगे जो हेल गॉड का फिनिश अपने खाते में लेकर के जाएंगे। कल के दिन पे हमने देखा था गॉब्लिन को वो ग्रेनेड से 1v3 करते हुए, और यहाँ पर नियो वो 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं। क्या एक और MVP रेस का कैंडिडेट हमें देखने को मिलने वाला है? किस प्रकार से वो फुटहिल पे बस लेटे हुए हैं, उनको भी पता है कि यहां से आगे अगर वो जाएंगे भी तो कुछ फायदा नहीं होगा, बट कम से कम वो दूसरी टीम्स का गेम खराब कर सकते हैं। चोक गॉड को वहां पे डाउन किया जाएगा, और अब मात्र एक खिलाड़ी बचेगा नियो, वो मुश्किलें बढ़ाते हुए ड्रैगन ईस्पोर्ट्स की, और ये 8वां फिनिश जो नियो अपने खाते में लेके जाएंगे। कोई खौफ नियो अब बाहर जाएंगे अपनी बगी को उठाने के लिए, बट क्या अब वो स्प्रेज आएंगे? अभी भी नहीं वो स्प्रे आए, वो टीम सोल का गेम जरूर खराब कर सकता है ड्रैगन ईस्पोर्ट्स का आखिरी प्लेयर। कि उनके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ये एक खिलाड़ी ड्रैगन ईस्पोर्ट्स को और ऊपर लेकर के जाएगा। और चलिए माइटी का वो ग्रेनेड 2 और प्लेसमेंट के अंक देगा सुपर बॉय को, बस देखना ये है कि क्या कुछ और प्लेसमेंट के पॉइंट, बट नहीं नियो वो यहां पर आएंगे, और ये 9वां फिनिश जाता हुआ नियो के खाते में, एक 2v2 की वो फाइनल बैटल 8bit वर्सेस टीम सोल। नियो ने तो आज अलग गेम प्ले दिखाया, बट 8bit के पास वो चिकन गया नियो की, बहुत बड़ी गलती, ओमेगा ऊपर से आ रहे थे और टीम 8bit को देखा नहीं, हो चाहते तो वो खत्म कर सकते थे वहीं पे नियो को। अगले मैच में मिरामार में वो क्या, पर आज के दिन के दूसरे मुकाबले की शुरुआत की जाएगी मिरामार का ये मैच। ऑलरेडी ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं जहां से वो कवर दे सकते हैं, बट कंपाउंड के अंदर तो नहीं जाओगे, बट आड़ी जैसा मैंने कहा पोजीशन बहुत अच्छी, फ्लैंक एंगल बनाया, और अब THW बैकफुट पे। जी एक और खिलाड़ी उनका नॉक किया गया, और दूसरे के HP बहुत ज्यादा कम कि उस खिलाड़ी को समाप्त किया जाए। मैक्सिमस अभी भी बचे रहेंगे, सौम्य फाइनली माफ करिए मलिक उनको समाप्त किया गया, साकिरो HP उनकी भी कम, सौम्य के द्वारा वो भी समाप्त किए जाएंगे। जंप करता हुआ एक खिलाड़ी, THW का एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा पीछे रह गए कि ओ लमाओ,
पिछली बार तो सर्वाइवल टीम लेकर गई, पर न्यूमन के साथ उनकी फाइट हो सकती है। ये खराब निर्णय टीम न्यूमन के द्वारा हो सकता है गोट, वो सामने मौजूद दिखाई देंगे। गेल एचपी बहुत ज्यादा कम, टीम न्यूमन बहुत ओपन से निकलते हुए दिखाई देंगे। जहां पर जा रहे हैं वहां पर बहुत सारी टीम देखने को मिलने वाली। सुपर बॉय पिछले मैच के सुपर हीरो इस मैच में सबसे पहले बाहर। न्यूमन जहां भी जा रहे हैं वो अपोनेंट को पा रहे हैं, उनको अभी भी डिसाइड करना होगा कौन से कंपाउंड में वो जाना चाहते हैं, बिकॉज यहां पे तो गॉट है, वो तो देखेंगे और आपको जरूर नॉक करेंगे, उन्होंने किया भी वैसे उधर। और दो खिलाड़ियों के पीछे आपको GWL वो भी दिखाई देंगे, G1 वर्सेस टीम 8-bit, इनकी भी फाइट होने वाली है। एडम जॉर्ड उन्होंने देखा तो सही, पर लियो वाइटी क्या बढ़िया ड्रिफ्ट मारा गया उनके द्वारा। हालांकि लियो वो भी डाउन कर दिए गए। जग्गा एक मनीष जो था वो ले जाने में कामयाबी हासिल की है। रौनक एचपी बहुत ज्यादा कम, और देखते ही देखते G1 उनका जो एलिमिनेशन है वो भी दिखाई। पहले एडवांस किया जाता शायद वो बेहतर सिचुएशन रहती, पर टीम एनिग्मा के साथ TMZ के दो खिलाड़ी फंस चुके हैं, और अभी आदि देखना पड़े वाली बात रहेगी वो क्या कर पाते हैं। टीम एनिग्मा सौम्य यहाँ पे नॉक जरूर, बट रिवाइवल आराम से मिल जाएगा। अभी भी देखिए मिनी मैप में कितनी सारी टीम्स उस एरिया के अंदर और कंपाउंड्स के आसपास। चिंतित हूँ इस वक्त स्पीरो, क्योंकि उनका एक खिलाड़ी चोक गॉड उनको डाउन किया गया था, हालांकि वो रिवाइव कर दिए गए आदिल जॉर्ड एक बढ़िया ग्रेनेड के साथ। एडी को करेंगे डाउन, एक और ग्रेनेड और मोस्ट प्रोबेबली एडी समाप्त किए जा सकते हैं। जी नहीं, अभी भी वो खिलाड़ी बचा हुआ है आदिल जॉर्ड में। डू ऑर डाई स्काई डाउन किए जाएंगे रेडॉक्स के द्वारा। मैं सोच रहा हूँ मेजी अगर अगला जोन यहाँ से बाहर चला गया कंपाउंड से, कितनी मुश्किल होंगी इन सभी टीम्स को। बट एनिग्मा पुश ले जाने में वो कामयाबी हासिल करेंगे, और इसी के बीच में माफिया एक और बढ़िया ग्रेनेड, रौनक उनको डाउन किया जाएगा। सटीक निशाने पे वो ग्रेनेड गया माफिया पर, उनको भी डाउन किया गया है। और देखते ही देखते टीम 8-bit उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि एक और खिलाड़ी है जो जूसी के आसपास आपको ग्रेनेड करता हुआ दिखाई देगा, वो मोलोटोव आया जादू का जूसी, उनको भी डाउन किया जाएगा। और अब माइटी वो बसते एक आखिरी खिलाड़ी और शायद लाइफक्राफ्ट, उनको अंदाजा है कि वो नीचे कौन सी टीम मौजूद है। थोड़ा और डैमेज पड़ता हुआ रौनक, HP बहुत कम, अभी तो रिवाइव किया गया जूसी, उनको समाप्त किया गया माइट के लिए। जी हाँ, जिमी ने नॉक तो किया बट अभी भी वो जोन के बाहर। बट अब गेम हब के सामने एक कड़ी चुनौती, ग्लैडिएटर्स। हम बात कर रहे हैं कि हाँ सरवाइव कर जाते हैं बट पॉइंट्स भी लेके जाती है ये टीम। जब मैं थोड़ा और चिंतित होने वाला हूँ न्यूमन के लिए, क्योंकि उनसे जो फाइट कर रही है वो एनिग्मा की स्क्वाड है, और अभी तक एनिग्मा ने सारे फाइट जीते। जिमी उनको भी डाउन किया जाएगा, रौनक वो भी डाउन किया जाएंगे। देखते ही देखते ड्रैगन ईस्पोर्ट्स उनका भी एलिमिनेशन होने वाला है, और वो रहेंगे एनिग्मा जिन्होंने एलिमिनेट किया। डेल्टा PG वो भी डाउन किए गए, डेस्ट्रो वो बचे रहेंगे, आखिरी खिलाड़ी रीलोड आया तो सही, पर वो भी आखिरी खिलाड़ी। और देखते ही देखते डेस्ट्रो, एक ऐसी टीम जो बिल्कुल नहीं घबराएगी, गॉड फिर से चार लेके जा चुके हैं, इनके सामने जीतना बहुत मुश्किल। मैं बस देख रहा हूँ कि इन सबके बीच में वो टीम सर्कल के अंदर मौजूद है जिन्हें ज्यादा अंकों की जरूरत है नहीं। लाइफक्राफ्ट आप कह सकते हो उनमें से एक टीम है जो शायद अभी भी मौका बना सकती है टॉप 16 के अंदर। गोट एक और ग्रेनेड के साथ, एक खिलाड़ी अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने नॉक किया था। गोट चार फिनिशर्स के साथ ऑलरेडी आपको दिखाई देंगे विक्स की, उनको भी डाउन किया जाएगा। न्यूमैन वो बस एकमात्र आखिरी खिलाड़ी के साथ, पिछला मैच मात्र 6 अंकों लेकर गए थे, और इस मुकाबले में भी शायद एक खराब शुरुआत हो सकती है, पर नहीं। क्लच गॉड उन्होंने 5 फिनिशर्स निकाले, 7 शोर को एलिमिनेट किया। रानू वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट टीम न्यूमन अब मुकाबला बहुत खतरनाक, बिकॉज सामने एनिग्मा जैसी खतरनाक टीम, बट शैडो वो आखिरी प्लेयर बचे हैं कि शैडो यहाँ पे क्लच करके दिखा सकते। चलिए एक को डाउन किया, दो को डाउन किया, बट एक और को डाउन करना पड़ेगा, बट वो नहीं कर पाएंगे। न्यूमन गेम में 2v4 में 3 प्लेयर्स को डाउन किया था, कोशिश बहुत अच्छी बट वो कोशिश काफी नहीं, इतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पहला मैच भी 6 अंकों के साथ वो गए थे, और इस मैच में भी उनके पास फिनिशेज है और वो प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। शुभायु एक बढ़िया कोशिश, भालू उनको डाउन किया गया, साइक थोड़ा सा दूर दिखाई देंगे, गन स्विच करने की जरूरत पड़ सकती है शुभायु को, एक मौका था आसानी से डाउन किया जा सकता था। हालांकि नेबो इंतजार करना है अगले सर्कल का, और साथ ही साथ टीम एनिग्मा उन्हें सर्कल के अंदर जाने की जरूरत है। ओमेगा बड़ी आसानी से वो देख सकते हैं, और उन्होंने पीक करके क्या बढ़िया स्प्रे दिया लेब्रॉन, उनको डाउन किया गया। एक और ग्रेनेड, इस ग्रेनेड से इन्फिनिटी थोड़ा डैमेज उनको दिया जा सकता था, वो खिलाड़ी वापस वहां पर आया गए। सौम्य एक और मोलोटोव के साथ, एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा ओमेगा के द्वारा, लेब्रॉन उनको बचाया नहीं जा सका, उनको समाप्त किया जाएगा। टीम एनिग्मा वो आगे जाते हुए दिखाई देंगे, इन्फिनिटी सूर्य वो दूसरी साइड से रोटेट कर करा, इन्फिनिटी उनको डाउन किया गया, सौम्य वो भी डाउन किया गया, आईडी वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। और देखते ही देखते टीम एनिग्मा उनका एलिमिनेशन तीसरे पायदान पर। दैट एंगल फ्रॉम सूर्य वाज एवरीथिंग, बट लाइफक्राफ्ट क्या वो जीत सकते हैं? जी नहीं, शुभायु पूरा गेम पर लट दिया, GWL आउट ऑफ नोवेयर, ये चिकन अलग ही आएगा उनकी तरफ से। और जादू अब वो आखिरी प्लेयर बचे, क्या वो चिकन निकाल सकते? क्या कर रहे हो जादू, क्या कर रहे हो आप? फ्रैग जो आखिरी में आके उन्होंने निकाले वो बहुत जरूरी साबित हुआ, हमें देखने को मिले। चलेंगे आगे, नजर डालेंगे, बाकी देखना ये है कि वो 25 बोनस पॉइंट
कौन सी टीम लेकर जाने वाली है, क्या वो गुजरात चिल मोड में खेलते हुए नजर आएंगे? बट कुछ इस प्रकार से वो एप्स वर्सेस जो एफएस की फाइट थी वो आगे बढ़ती हुई नजर आई, जहां पर विस्गॉर्ड उन्होंने वो ओपनिंग फिनिश निकाला और उसके बाद एप्स वो पूरी तरीके से एफएस के ऊपर हावी होते हुए नजर आए। एक एक करके सारे खिलाड़ी को डाउन किया, उन्होंने भी अपनी वो जो पोजीशनिंग है वो दे दी। डाजल को डाउन किया जाएगा एक बार फिर से और यहाँ पे टीमन उनको भी इनफैक्ट टेक डाउन किया जाएगा। टर्बो ये आखिर की एप्स के सामने भी क्या वो तीन चीज करके जाने वाले, हालांकि डीएमएस उनके पास रहेगी, एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक भी किया है। देखिए टर्बो है तो मुमकिन तो है, देखना ये कि क्या वो कुछ और नॉक निकाल पाएंगे। अभी भी उनकी डीबेस रिरोड पे जाएगी, बट चलिए आईजीएल वो अब कुछ ओपनिंग नॉक निकालते हैं क्योंकि जीवन के दो ही खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं और जैक्सन उनके पास एक बहुत बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल, बस एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक की आइटम की बात करें, उन्होंने एक नॉक निकाला जरूर बट रिटेलिएशन में उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। और गुजरात टाइगर्स वो लगती है गुजरात टाइगर्स के क्योंकि एक फिनिश उन्होंने निकाला जरूर बट अपना एक खिलाड़ी खोया भी है। आपको इस लाइनअप में ज्यादा देखने को मिला नहीं है पिछले साल में भी आप कह सकते हैं, बट उसके बावजूद वो प्रदर्शन आया नहीं। बट अभी के लिए बीआर टाइटंस वर्सेस हुई जहां पे बीआर टाइटंस कोई मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी, एक खिलाड़ी को डाउन किया गया बट एक्सोटिया उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते सिचुएशन इवन स्टीवन। बट गुजरात टाइगर्स उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा, मात्र दो फिनिशेस शून्य प्लेसमेंट के अंक। बट किलर फ्लेक्स की बात करें वो भी काफी ज्यादा बेहतर खेलते हुए नजर आ रहे, स्केल्टन वो आखिरी खिलाड़ी जो बचेंगे। और इसी के साथ सिली मन गेमिंग की बात करें वो दोनों टीम के बीच में से जाते हुए नजर आएंगे, टीम सील के साथ उनकी फाइट भी जाएगी। शैडो जी वो एक इंपॉर्टेंट नॉक जो उन्होंने निकाला बट रिटेलिएशन में उनको भी डाउन किया जाएगा। गिल यहां पर बचे जरूर है बट देखते ही देखते टीम सील उनका सफाया, चार फिनिशेस। शैडो जी द आईजीएल शाइंस अगेन, नहीं ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिली है, बढ़िया तरीके से जोन प्रिडिक्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से सर्कल के अंदर आते हैं। बट न्यूमन गेमिंग उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, एजेस पे फोर अग्रेसिव मैन ऑलरेडी मौजूद हैं, अभी भी न्यूमन गेमिंग सर्कल के हल्का सा बाहर। बट वो व्हीकल से खिलाड़ी उतरे और ऑलरेडी देखा गया स्पाइडर जॉट के द्वारा, शैडो को इसी बीच फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा और दिखाई देंगे पेन एक और ग्रेनेड के साथ, किलर उनको भी समाप्त किया जाएगा। पर सुपर बॉय पिछले मैच में भी सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे, इस बार भी उनको सबसे पहले नॉक किया गया। क्यों लमाओ वो रश करना चाहते हैं, मोलोटोव का इस्तेमाल किया गया, जिमी उनको भी डाउन किया गया, जिमी वो समाप्त कर दिए गए, सुपर बॉय वो भी समाप्त हो गए, चोक गॉड उनको भी डाउन कर दिया गया। और देखते ही देखते ड्रैगन ईस्पोर्ट्स वो बसते एक लौते आखिरी खिलाड़ी के साथ अगर तक सर्वाइव कर पाए। वहीं दूसरी तरफ टीम ग्रेट वर्सेस फोर अग्रेसिव मैन की फाइट भी हमें देखने को मिल जाएगी, यश का एक बढ़िया ग्रेनेड और टीएचडब्ल्यू के दो खिलाड़ियों को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। रिवाइवल देने की कोशिश क्रिस के द्वारा बट 8-bit XCS की बात करें रौनक को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा स्किलफुल के द्वारा। फोर अग्रेसिव मैन वो भी अभी भी सरवाइव कर रहे, चार फिनिशर्स उन्होंने भी निकाले हैं बट चलिए स्किलफुल उनको भी यहां पे टेक डाउन किया गया। और अब करण हील बैटल, उसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं। और वह बड़े मैच की तलाश थी, इस मैच में फिनिशर्स निकाले पर अगर यहां पर भी एंकी वो समाप्त होते हैं तो उनके पास वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो मात्र केवल 6 जाएगा। जी हाँ, और उससे तो ज्यादा की तलाश में स्टार्टिंग में कर भी रहा था मेजी कि मात्र प्लेसमेंट अंक नहीं चाहिए न्यूमन को, फिनिशेज उनकी उनको आवश्यकता रहने वाली है। और चलिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ग्लिच एक्स रीबॉर्न की, वो भी और फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे, 8 जो उनके खाते में ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहां से कम आएगा ग्लिच एक्स रीबॉर्न, जो खिलाड़ी उनका डाउन था आसानी से रिवाइव किए गए, पर आयाश उन्होंने देख लिया ड्यूक को और अब टीम 8-bit वो चढ़ना चाहते हैं। रैल्फ उनके एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, ड्यूक उनको समाप्त किया जाएगा, एश प्लेस उनके बाहर डाउन कर दिए गए, जूसी वो भी डाउन काबले से। 168 पॉइंट्स के साथ शुरुआत की थी क्लिचेक्स रीबॉर्न ने और ये उनका आखिरी मुकाबला था, 12 प्लेसमेंट के अंक तो उनको वैसे भी मिलने वाले हैं, ये मुकाबला उनको आगे लेकर के जाने वाला है टॉप 16 के प्रबल दावेदार क्लिचेक्स रीबॉर्न थे या नहीं वो हम ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार करेंगे, वहां पर देख पाएंगे क्लिचेक्स रीबॉर्न वहां पे इस प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला। चलिए अब चलते हैं सीधा पॉइंट स्टैंडिंग की तरफ, ई-स्पोर्ट्स के लिए सफर टीम होगी जो इस मुकाबले में लेकर जाएगी चिकन डिनर आपके कास्टर्स होंगे कि फाइनल बैटल इन दोनों टीम्स का होता नजर आएगा। बट U4G के पृथ्वी ये हर बार बेहतर खेलते हैं बट हर बार कभी ना कभी कोई गलती भी होती है। चलिए पृथ्वी यहां पे डाउन है, उनके साथी जो आए वो भी यहां पे डाउन, बट एम गॉड कल के दिन में इन्होंने बेहतर खेला एक मैच के अंदर और यहां पे वो चाहते हैं कि जाते जाते डाउनहिल को तो साथ में लेके जाएं। जी हाँ, डाउन हिल को डाउन द हिल लेकर के जाने की कोशिश है। एडमिनो एक और नॉक निकालेंगे बट हर्षु जॉर्ड एक ग्रेनेड उन्होंने किया अपने ही खिलाड़ी के ऊपर, वो ग्रेनेड करते हुए नजर आएंगे और वहीं देखते ही देखते काफी आसानी से पहले तो U4G का जो एलिमिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप ब्लड रोज की भी बात करें बहुत ज्यादा मुश्किलों में ये बेहतर ग्रेनेड मैच है। ये वो सब सोच रहे होंगे यार हमने 15 मैचेस अब खेल लिए, ये हमारा लास्ट मैच 15वां मैच है, मुश्किल जरूर रही बट ट्रिगर ये भी एक प्लेयर जिनका सपना था वो क्वालिफाई करें बट बहुत मुश्किल सिनारियों में अपनी टीम को फंसा लिया था। अब इस बट यहाँ पे ड्रिगर एक हायर ग्राउंड उस टेरेस के ऊपर चढ़े थे, वापस नीचे उतरे, डैमेज यहाँ पे जरूर मिला बट चलिए इसी बीच रॉबिन को रिवाइवल मिल जाएगा।
मुझे लगता है पाशा अपने पार्क में घूमने के लिए आए थे, उनको पता है ऑलरेडी ब्लड रोज के जो प्लेयर्स हैं वो पुश तो कर रहे हैं, एचपी तो है भी नहीं, एक एक गोली लगेगी और वहां पे नॉक होते वो नजर आएंगे। चलिए पाशा फिर से ओपन में आए और फिर से वो नॉक हुए, अब जा सकती है। अब देखना ये कि फेका वो कितनी जल्दी यहाँ पे अपना इंक्लूजन दिखाएंगे इस फाइट के अंदर, क्योंकि अभी के लिए 2v3 की बैटल। चलिए एक और नॉक वहां पे निकाला जाएगा, ड्रेगर वो एक बार फिर से उस विजय रथ पे सवार हो चुके, और देखते ही देखते ब्लड रोज उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। बट एडमिनो फिनिश हो गए, और ओआर की अगर हम बात करें, ओआर वो खुश होंगे कि फ्रैग्स उनको मिले, बट पेका अभी भी वो डीबीएस उनके पास है और यहाँ पे सीधा पुश उनके ऊपर आता। ओह पेका, दैट शॉट वाज अमेजिंग। एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया बहुत ही शानदार तरीके से, दूसरे प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। लगता है पेका कह रहे थे मुझे अकेला खेलना है और अकेला ही वो खेलेंगे। ये कैसे जंप शॉट दे रहे हैं पेका, एक 1v3 करके जाएंगे वो भी सुप्रीम क्वालिटी का। सकते हैं वो इसलिए नहीं लेके जाएंगे कि उनको चाहिए, वो इसलिए लेके जाएंगे किसी और को ना मिले। ये एक स्ट्रेटेजी टीम सोल की हो सकती है, और सामने भी एक ऐसी टीम DWO भी जिनको कई बार खत्म किया है टीम सोल ने अगर देखा जाए तो। बट अभी टीम सोल एक एडवांटेज, पहला फ्लैग वो निकाल चुके हैं, TWOB कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर। कल भी हमने TWOB को गलत मूव्स करते हुए देखा, ओपन में घूम रहे थे सैनोक के मैच में, यहां भी TWOB वो फंस चुके हैं और अब यहां पे मुश्किलें उनकी बहुत बढ़ चुकी। यहां पे एक प्लेयर हिम, देखते हैं वो कितनी देर टिकेंगे। एक जंप शॉट आएगा उनके ऊपर, थोड़ी देर तक सर्वाइव करेंगे, बट हाथ में नेड है, वो गन तो है ही नहीं उनके हाथ में। टीम सोल यहां पे भी वैल्यू निकालेगी, बट यहां पे देखिए NON की स्क्वाड वो आ चुकी है पूरा खेल खराब करने, और टीम सोल का बस एक प्लेयर अब अपने पैरों पे, और वो है अक्षत। जी हां, और TWOB के साथ भी जब फाइट चल रही थी तो NON के खिलाड़ी थे जिन्होंने वहां पे एक नॉक निकाला था और मुश्किलें बढ़ाई थी, और जरूर हो सकता है और शायद वो 25 अंक जिसके ऊपर वो नजरें गला करके बैठे थे अब शायद वो भी दूर जाता हुआ नजर आए टीम सोल से। अक्षत की बात करें, व्हीकल उठा, यहाँ पे अगर ड्रैगन ईस्पोर्ट्स की बात की जाए ना, वो बस होप कर रहे होंगे कि टीम एक्सपाक का भी गेम खराब हो जाए, वो भी वहां पे इतना ऊपर ना जा पाए, ताकि वो जो 25 बोनस अंक है ना वो अभी भी ड्रैगन ईस्पोर्ट्स को मिल सके। जी हाँ, लेकिन एक और फाइट जो हमें देखने को मिल रही है, और फोर हॉर्समैन वो आ चुके हैं। यहाँ पे लेजेंड ने काफी ओपन में स्पॉट किया है उन खिलाड़ी को, काफी आसानी से टेकडाउन किया गया। बट फ्रोजन जिनकी आपने चर्चाएं की भी थी, एक बार फिर से वो शाइन करते हुए नजर आएंगे। हीका वो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, और NON क्या वो बैक टू बैक फाइट जीत सकते हैं, देखने वाली बात। हालांकि अभी भी मात्र दो खिलाड़ी जो उनके शेष रहेंगे। चलिए एक और खिलाड़ी वहां पे डाउन किया जाएगा, इन फोर हॉर्समैन वो अगर पोजीशन देखेंगे इतने नेड कर दिए हैं, बहुत मुश्किल है पता लगाना, बट ये नेड सही जगह तो जाएगा और बहुत सही जगह जाएगा। फ्रोजन, दैट नेड वाज रियली गुड। और अब टीम NON चार पांच अंकों की आवश्यकता रेवनेंट को भी रहने वाली है जो अगले मुकाबले में खेलने के लिए आएंगे। काफी मजेदार, काफी क्लोज वो बैटल जा रही है, बट अभी के लिए डाउनहिल की स्क्वाड वो पूरी तरीके से तैयार। योर टीम फोर हॉर्समैन अभी तो यहाँ पे वो संभले भी नहीं थे उस फाइट से, और यहाँ पे आक्रमण आया। बट क्रिप्टो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने यहाँ पे पहला नॉक निकाला, नॉक प्लेयर को फिनिश ऑफ उन्होंने किया जरूर, और फ्रोजन के पास चार फिनिशेस जो ऑलरेडी जा चुके हैं। डाउनहिल के एक और खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा PM, और अब मात्र एक खिलाड़ी जो डाउनहिल के बचते हैं, देखना ये कि वो भी कितनी देर तक सरवाइव करेंगे। चलिए DBS है उनके पास, और मैक्स वो ब्लेज यहां पर आएंगे। एक बट के एरिया पे जाके नेड्स कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, बट यहाँ क्या हुआ पुकार, वो एक को डाउन करेंगे, वो दो को डाउन करेंगे, और भी सडनली वो बैकफुट पे जा चुके हैं। डील शायद ही हो पाए क्योंकि अभी भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा। ये बेहतर ग्रेनेड जो पुकार के ऊपर आएगा ब्लैक के द्वारा, और सर्कल के बाहर की ये फाइट थोड़ी महंगी पड़ सकती है टीम एक्सपार्क को। बट ब्लैक वो यहाँ पे जोन से नॉक कर दिए जाएंगे, और टीम एक्सपार्क क्या अब वो जोन के लिए जाएंगे या फिर फिनिशिंग मूव के लिए जाना पसंद करेंगे? रिवाइवल अभी भी पॉसिबल जरूर है यहाँ पे, हील क्या सही समय रहते वो कर पाएंगे ये भी एक सवाल। चलिए आए तो है, मैं देखना चाहूंगा कि गाड़ी में बिठाएंगे जी नहीं, रिवाइव यहाँ पे। चलिए मैंने जो कहा वही होने वाला है, बट HP तो है नहीं उनके पास, मस्ती कर रहे हैं, अब हो गया इनका। चलिए बिठा तो लिया है और आगे जाने की कोशिश है, बट फिनिश उनके पास मौजूद, कवर्स भी है और साथ ही साथ सर्कल का सेंटर भी। जी हाँ, अभी के लिए गॉडलाइक के ऊपर रश भी आएगा, ये दो इंपॉर्टेंट फिनिशेस उनको मिल सकते हैं। जी ना, जोनाथन बाहर गए, जली ने भी वहां पे वैल्यू दिखाई। जली लाइक मुश्किल है बहुत ज्यादा, एक एक करके घुटनों पे आते हुए BGMI के गॉड्स, जली इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बट मे बी नॉट एनी मोर, एंड यस टीम गॉडलाइक उनका समापन एलिमिनेशन BMPS 2023 से। हमने करी थी वो भी यहाँ पे फोर्थ पार्टी करने के लिए आ चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला था टीम गॉडलाइक के लिए, आज पूरा दिन उनके लिए जरूरी था, बट अभी के लिए टीम साइक उनके लिए भी उतना ही जरूरी, उनके लिए उतना ही वैल्यूबल। बट साथ वो यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। टीम साइक हमें लग रहा है कि उन्होंने अपना काम तो कर दिया, बट अंतिम में जब ओवरऑल स्टैंडिंग आएगी वही बताएगी कितना कट ऑफ, क्या मुझे उनको पूरा करना पड़ेगा। स्ट्राइकर एक उनके पास, DBS अपना सपना तो वो भी पूरा कर रहे हैं, वो अपना सपना जी भी रहे हैं इस टूर्नामेंट के दौरान।
नहीं, बट ओवरऑल टीम साइक उनको जितना काम करना था उससे तो ज्यादा ही करके जाते हुए। जी हाँ, अपना काम तो किया है, बट काइलो कहीं और देख रहे थे। पीछे से उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए शुरू होती हुई प्लेयर्स की तरफ से। अब मार्कोस गेमिंग जीरो का आक्रमण आया है, आगे बढ़ने की कोशिश करी काइलो ने, वहां पे वो एक नॉक निकाला, वो बेहतरीन था, बट एचपी उनके पास बहुत कम। ब्लेज वहां पे नॉक करेंगे उनको, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्कोस गेमिंग जीरो नंबर्स गेम का एडवांटेज तो उन्हीं के पास है। जी हाँ, ब्लेज यहाँ पर मौजूद। चलिए फाइनली ब्लेज वहां पे आखिरी खिलाड़ी जो मौजूद और वो जो नंबर्स गेम का एडवांटेज था उनसे दूर जाता हुआ नजर आएगा, और इसी के साथ एलिमिनेशन वो भी हो जाएगा 4HM का। करेंगे क्या, खैर करने के लिए कुछ खास बचता है भी नहीं, और इसी के साथ टीम MGZ वो लेकर के जाते हुए इस मुकाबले में। चलिए चलते हैं सीधा पॉइंट स्टैंडिंग की तरफ, जहां पर मार्कोस गेमिंग क्रूशियल मैच या आखिरी बचा है इरांगल की तरफ, और जानेंगे कि इस पूरे सफर का समापन कौन। ड्रॉप लोकेशंस में टाइटन कुछ खोने को है नहीं, पर कम से कम एक टीम को तो बाहर कर सकते हैं टॉप 16 से। जी हाँ, बट WSB के ज़ैप वो आए थे, पीक जस्ट तो किया था उन्होंने, और टाइटन के पंख जो उनके सुपरस्टार प्लेयर हैं वो पहला नॉक तो निकाला जरूर, एक्चुअली दो नॉक्स उन्होंने वहां पे निकाल दिए। ये बहुत बड़ी गड़बड़ अगर देखा जाए, बट एरर ईस्पोर्ट्स, उन्होंने एक टॉप प्लेयर सेवन चोर के कोर्ट को डाउन किया, बट कहां जाने की कोशिश कर रहे थे सीनियर, वो बच तो सकते नहीं थे, और उनको भी नॉक करके फिनिश किया जाएगा। खिलाड़ी खो चुके हैं इस वक्त सामने रेर ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ी, जैप मुक्केबाजी हुई है उनके साथ, एक बार के लिए पॉसिबल हो भी पाए, पर वो जो फिनिशेस है वो एक भी शॉट वो नहीं कनेक्ट कर पाए, शुभायु वो गिर के डाउन हो जाएंगे। जी हाँ, बट टाइटन के प्लेयर्स यहाँ पे कहाँ फंस गए, उनके प्लेयर्स बैक टू बैक यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, तीन प्लेयर्स यहाँ पे डाउन है, और पंक अब वो आखिरी खिलाड़ी, बट पंक हम जानते हैं कि बेहतरीन वो खिलाड़ी, चुपके उनको साइड में तो होना ही पड़ेगा, उसको रिवाइवल दे सकते हैं थोड़े प्लेयर्स उनके पीछे, बट सामने सूर्य बहुत आगे, पंक हाथ में वेपन था ही नहीं, और उसके एच पे, बट सेंसे डाउन हुए, सेंसे डाउन हुए रेवेनेंट, अब केवल तीन प्लेयर्स के साथ, अपोलो उनको भी डाउन कर दिया गया, और मात केवल टीम रेवेनेंट दो खिलाड़ियों के साथ बचने वाली, एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, वहां पे फियर्स और एमजे दो खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे, जॉर्ड वो अभी भी डाउन है, फियर्स एक बार फिर से सर्कल के बाहर जाते हुए देखने को मिलेंगे, केटर्स अब उनके सामने भी एक चुनौती, और वहां पे नॉक्स आने की संभावना बनती जरूर है, बट वो आगे जा रहे हैं, चलिए डेल्टा पीजी अपना कार्य करके दिखाएंगे, गाड़ी के साथ वहां पे गए, बट एक प्लेयर वहां पे डाउन हुए, डेल्टा पीजी इज स्टिल फाइटिंग, बट वो भी नॉक अप डेस्ट्रो, वो आखिरी प्लेयर बचते हुए, एचपी थोड़ी सी डाउन, के ग्लैडिएटर्स BGIS चैंपियंस वो बाहर हो सकते हैं, डेस्ट्रो पूरी तरह से फाइट कर रहा है, ओवर, इट्स ओवर, इट्स हैपनिंग राइट नाउ, दिस इज BMPS, और ऐसे सेफ खेल खेल के तो शायद आप क्वालिफाई नहीं होंगे, मात्र एक अंक लेकर गए ग्लैडिएटर्स, अब पूरा चीज निर्भर करने वाला है उस बोनस पॉइंट पे, ग्लैडिएटर्स तो और फ्रैग चाहिए उनको, एक चिकन चाहिए, बट टीम रेवेनेंट वो बहुत करीबी से अब जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, लॉक एक यहाँ पे प्लेयर मिला, खत्म भी कर दिया जाएगा, चलिए सेंसे वो एक बहुत अमूल्य फ्रैग निकालेंगे, और एक एक करके आगे पहुंचते हुए टॉप 16 में। अब आप कह सकते हैं कि हाँ वो टीम एंटिटी से बहुत ज्यादा ऊपर निकले, हालांकि एक अंक ही सही, पर कम से कम वो ऊपर निकले। सेवन शोर की स्क्वाड एक बार फिर से उनके ऊपर ग्रेनेड का प्रहार किया जाएगा, फियर्स ग्रेनेड डाला, गाड़ी ब्लास्ट हुई, ज़ूस उनको डाउन किया जाएगा, सब जाएंगे जेनेक्स एफएम वर्सेस लाइफक्राफ्ट, दोनों ही टीम को बहुत ज्यादा अंकों की जरूरत है, फियर्स थोड़ा सा ओवरपी किया, डैमेज उनको पड़ता हुआ, टीम रेवेनेंट तीन फिनिशर्स के साथ टॉप 8 में एंट्री कराई है खुद की टीम को। जी हाँ, बट यहाँ पे और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, रिस्क उनको भी नहीं लेना है, क्या पता कट ऑफ कितना जाएगा, सब कोशिश कर रहे हैं, लाइफ ड्रॉप भी वहाँ पे मौजूद है, जेनेक्स एफएम के प्लेयर यहाँ पे मोक्ष वो डाउन हुए, एक एक करके जोन के अंदर आना तो चाहते हैं, बट विशु के ऊपर पूरी जिम्मेवारी, बट फियर्स ये प्लेयर्स अब चल रहे हैं, ये प्लेयर अब चमक रहा है, क्या फियर्स यहाँ पे गेम बदलेंगे टीम रेवेनेंट का। लाइफक्राफ्ट उनका एलिमिनेशन आपको दिखाई देगा, मात्र एक प्लेसमेंट पॉइंट वो ले पाए, सात फिनिशर्स निकाले गए, पर इतने से काम नहीं चलने वाला, डू ऑर डाई वर्सेस टीम में जो नॉक थे उनको समाप्त किया गया, जेनेक्स एफएम अब एक आखिरी खिलाड़ी के साथ बचती है, WSB उनके दोनों खिलाड़ी अभी भी स्पीरो इस मैदान में, और सर्कल का एडवांटेज तो देखिए क्या खूबसूरत एडवांटेज उस टीम के पास, WSB उन्हें वो ग्लिचेक्स रिबॉर्न वाला मैच खेलना पड़ेगा, भालू शॉटगन का इस्तेमाल, 100 में डाउन किए गए भालू, ट्रेड में वो भी डाउन किए गए, एडी बचे हुए थे आखिरी खिलाड़ी, अविनाश का सिक्का शिकार बनेंगे, और इसी के साथ एनिग्मा उनका भी एलिमिनेशन, लगता है उन्होंने भी अपना काम किया, टॉप 5 के अंदर आए, बट UP50 अब वो पुश करना चाहते हैं रेवेनेंट के ऊपर, अदनान गाड़ी लेके आए, पहले सेंसे को भी इन्होंने खत्म किया, अब एमजे को भी इन्होंने खत्म किया, बट फियर्स नामक एक योद्धा अभी भी वहां टिके हुए, अदनान को दिख नहीं रहे, बट फियर्स अब सामने से आएंगे, फियर्स नॉक करेंगे अदनान को, ये वो मूवमेंट है, ये वो प्लेयर है जो गेम बदल रहा है रेवेनेंट के, फियर्स अभी के लिए तो इज चेंजिंग द गेम, बट सरकार का राज वो चलेगा अब इस एंगल पे, जोन के एज पे, एफएम हो चाहे वो लाइफक्राफ्ट हो चाहे वो रेवेनेंट के फियर्स हो, हर किसी ने कोशिश करी, बट जेनेक्स एफएम टॉप 4 में उनका सफाया किया गया,
भालू को वो नॉक निकालना चाहिए था, आसानी से देख सकते थे रैंडम स्प्रे भालू डाउन करेंगे रेडन को, पर भालू वो भी बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज करा गए, ज़रफ उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, स्काई उन्होंने डाउन कर दिया और देखते ही देखते उनका समापन देखने को मिलने वाला यूपी 50 सरकार, वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, डू और डाई, जाते जाते उन्होंने किया शानदार गेम खेला, फाइनली ओवरऑल स्टैंडिंग इज हियर, जेनएक्स एफएम वो लेकर जाएंगे 25 तो आखिरी हफ्ते में वो प्रदर्शन काफी बेहतर, 25 से अगर आप 48 के बीच में हैं, भी नहीं पता कि कौन क्वालिफाई हो रहा है, पेज की तरफ आखिरी नहीं सेकंड लास्ट पेज की तरफ चलते हैं कि कौन सी टीम मौजूद है, पर सीधा क्वालिफाइड टीम्स की तरफ, इनसेन ब्लाइंड की स्क्वाड ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग टीम सोल हाइड्रा ऑटोबोट्स जेनेक्स एफएम और साथ में रहेंगे टीम साइक की स्क्वाड, वक्त आ चुका है कि हम देखें कौन सी है वो अगली आठ टीम, न्यूमन गेमिंग एंटिटी टीम ग्लैडिएटर्स 8-bit XVS रेवेनेंट टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स टीम एक्सपार्क और साथ में रहेंगे ग्लिच एक्स रीबॉर्न, अब और यहां देखेंगे कि कौन कितने अंक लेकर गया इनसेन ऑटोबोट्स और जेनेक्स एफएम आज के दिन में जो एफर्ट